हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी विद कार्तिक। टुडे वी विल स्टडी साइंस। तो आज हम लोग साइंस में यहाँ पे स्पैंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्पैंडेक्स नाम के फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि स्पैंडेक्स क्या होता है, कैसे बनते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टीन ड्यू टू इट्स यूनिक इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो स्पैंडेक्स को हम लोग इलास्टीन भी कहते हैं उसके यूनिक इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। स्पैंडेक्स को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, इलास्टीन और एक लाइक्रा। तो पॉपुलरली इसे हम लोग लाइक्रा कहते हैं और इसे हम लोग इलास्टीन भी कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। इट इज अ पॉल्यूरेथेन पॉल्यूरिया कोपॉलीमर। तो ये एक पॉल्यूरेथेन पॉल्यूरिया कोपॉलीमर है जो कि दो केमिस्ट ने बनाया था, एक है सीएल सैंडक्विस्ट और जोसेफ सिवर्स। तो इन दोनों केमिस्ट ने यहाँ पे इस पॉल्यूरेथेन पॉल्यूरिया कोपॉलीमर को बनाया था, जिसे हम लोग कहते हैं स्पैंडेक्स, 1959। अब इसके अलग अलग यूजेज या प्रॉपर्टी तो यही हो गया मेनली कि ये बहुत ही इलास्टिक है। अनयूनिक इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसका। इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ दैट रिक्वायर स्ट्रेच एंड कम्फर्ट। अब यहाँ पे स्पैंडेक्स को हम लोग मेनली ऐसे क्लॉथ्स में यूज करते हैं जिसमें स्ट्रेच का जरूरत होता है, स्ट्रेच और कम्फर्टेबलनेस का जरूरत पड़ता है, जैसे कि स्विम सूट हो गया, लेगिंग्स हो गया। तो ऐसे में मेनली यहाँ पे स्पैंडेक्स यूज किया जाता है क्योंकि उसमें स्ट्रेच होता है, क्योंकि स्पैंडेक्स का इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। इट इज ऑल्सो मिक्स विद अदर फैब्रिक्स सच एज पॉलिस्टर एंड कॉटन टू मेक स्ट्रेच फाइबर्स। तो यहाँ पे स्पैंडेक्स को कभी कभी यहाँ पे पॉलिस्टर कॉटन से भी मिक्स किया जाता है स्ट्रेच फाइबर बनाने के लिए। तो यहाँ पे कभी कभी स्पैंडेक्स भी बनते हैं और कभी कभी स्पैंडेक्स और कॉटन को या फिर स्पैंडेक्स और पॉलिस्टर को भी मिलाया जाता है फाइबर बनाने के लिए। तो स्पैंडेक्स को मेनली हम लोग कहते हैं स्पैंडेक्स को दो और नाम, एक लाइक्रा पॉपुलरली हम लोग इसे कहते हैं और इलास्टिक प्रॉपर्टी वजह से इसे हम लोग इलास्टीन भी कहते हैं। तो एक पॉल्यूरेथेन पॉल्यूरिया कोपॉलीमर है जो कि दो केमिस्ट ने बनाया था, एक है सीएल सैंडक्विस्ट और जोसेफ सिवर्स। 1959 में दोनों ने ये पॉलीरिथेन पॉलीरिया को पॉलीमर स्पैंडेक्स नाम का बनाया था। इसके अलग अलग यूजेज है क्लॉथ्स बनाने के यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेच, जिसमें स्ट्रेच हो, जैसे कि स्विम सूट और लेगिंग्स और सब फैब्रिक्स के साथ भी मिलाया जाता है, जैसे कि पॉलिस्टर और कॉटन स्ट्रेच फाइबर बनाने के लिए। सो विल स्टडी मोर अबाउट साइंस इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।